हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ताज़ा किचन। आज हम बनाने वाले हैं इंस्टेंट मिनी पैन पिज़्ज़ा, वो भी बिना ईस्ट के एंड बिना माइक्रोवेव ओवन के। ये मिनी पिज़्ज़ाज ना बहुत अमेजिंग होते हैं, टोटली लिप स्मैकिंग होते हैं। एकदम से झटपट से तैयार हो जाते हैं, सुपर क्रिस्पी क्रंची थिन क्रस्ट बेस के साथ। इनको बनाने खाने दोनों में बड़ा मज़ा आता है गाइस। तो चलिए जल्दी से इसकी रेसिपी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पिज़्ज़ा का डो बना लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा लिया है और 1/4 कप गेहूं का आटा लिया है। आप चाहे तो पूरा मैदा या फिर पूरा आटा भी ले सकते हैं। और फिर 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला है इसमें और साथ ही 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। और उसके बाद इसमें हम 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम 1 टेबलस्पून ऑयल डाल रहे हैं और साथ ही 1/4 कप दही डाल रहे हैं। इसके बाद इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1/4 कप मिल्क लिया है और इससे हम इसका एक चिपचिपा डो बना करके तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं इसको मिक्स कर रही हूँ काफ़ी स्टिकी होता जा रहा है। और लास्ट में इसमें 1 टीस्पून ऑयल डाल करके इसको भी अच्छे से मिक्स करके एक डो बना करके हम तैयार कर लेंगे और 30 मिनट्स के लिए इसे हम ढक के रख देंगे। 30 मिनट्स के बाद हम अपने डो को हाथ में ले लेंगे और इसे नीचे की तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे। जैसे हम टक इन करते हैं ना, आटे को बिल्कुल नीचे की तरफ इस तरह से ले जाएंगे। और फिर एक क्लीन स्लैब पे हम थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और अपने डो को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और इसको हम पतला सा ऐसे रोटी जैसा बेल लेंगे। हमें यहाँ पर इसकी थिकनेस बहुत मोटी या पतली नहीं करनी है। अब इसके बाद हम इस तरह की एक ग्लास ले लेंगे और ऐसे गोल गोल सा शेप में हम काट लेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारी मिनी पिज़्ज़ा बेस की थिकनेस कुछ इस तरह की होनी चाहिए। अब इसके बाद आप एक फोक ले लेंगे और अपने सारे पिज़्ज़ा बेस के अंदर इस तरह से हम होल्स बना देंगे। इसके बाद अब हम एक पैन गरम करेंगे और अपने सारे पिज़्ज़ा बेसिस को इस तरीके से इसमें हम रख देंगे और दोनों तरफ से लाइट ब्राउन होने तक हम इसे सेक लेंगे। अब आप देख सकते हैं हमने सारे अपने पिज़्ज़ा बेसिस को दोनों तरफ से अच्छे से सेक लिया है। अब यहाँ पे मैंने 1 शिमला मिर्च को छोटे छोटे चॉप कर लिया है और उसमें 1 प्याज को ऐसे चॉप करके इसमें हम डाल देंगे और साथ ही इसमें 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर मतलब गोल मिर्च डालेंगे और इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। मैंने यहाँ पे बहुत सारी सब्ज़ियाँ नहीं डाली, आप चाहें तो और भी सब्ज़ी अपने पसंद की ऐड कर सकते हैं। और हमारी टॉपिंग तैयार हो गई है। अब यहाँ पे मैंने अपने सिके हुए पिज़्ज़ा बेसिस को लिया है और उसके ऊपर इस तरीके से पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप टोमेटो सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर मैंने यहाँ पे थोड़े से चीज़ क्यूब्स को ग्रेट कर लिया था और इसके ऊपर ऐसे इवन लेयर हम लगा लेंगे। और फिर हमने जो इसकी टॉपिंग प्रिपेयर करी थी प्याज और शिमला मिर्च की, इसको भी हम इसके ऊपर ऐसे रख देंगे। आप चाहें तो अपने पसंद की और भी सब्ज़ियाँ ऐड कर सकते हैं। और फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ओरिगैनो सीजनिंग को स्प्रिंकल कर दिया है और थोड़े से हम चिली फ्लेक्स भी इसमें ऐड कर लेंगे। अगर आपको हरी मिर्च पसंद है तो आप उसे भी काट के इसमें ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में एक बार फिर हमने अपने ग्रेटेड चीज़ क्यूब्स को इसके ऊपर ऐसे स्प्रिंकल कर देना है। और ये देखिए हमारे पिज़्ज़ाज बेक होने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब इसके बाद हम एक पैन गरम करेंगे और अपने सारे पिज़्ज़ाज को इसके ऊपर अरेंज कर लेंगे और फिर हमें इसे लो फ्लेम पर पकाना है। इसे हम ढक देंगे कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए और या तो जब तक कि आपकी चीज़ मेल्ट ना हो जाए। और ये देखिए 10 मिनट के बाद हमारे पिज़्ज़ाज परफेक्टली बेक होकर के रेडी हो चुके हैं। मिनिमम सब्जियों के साथ हमारे इंस्टेंट मिनी पिज़्ज़ाज बिल्कुल तैयार हैं। अब आप इनके क्रस्ट का टेक्सचर देखिएगा, बहुत ही क्रिस्पी एंड क्रंची क्रस्ट बना है तवे पे ये, तो खाने में बहुत मज़ा आता है। गाइस कैसी लगी ये रेसिपी ज़रूर बताएँ और अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।